Hey guys, welcome back to another video. So guys, हम लोगों ने पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नया टेबल बनाया था जो कि कोर्स था इसके अंदर, और इसके अंदर हमने एक रिलेशन बनाना सीखा था यूजिंग फॉरेन की. आज हम लोग यार क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट क्लॉज क्या होते हैं. तो यार उससे पहले मैं ना ये सोच रही हूँ कि मैं अभी तक हमने ना कोर्स बना दिया, स्टूडेंट बना दिया, तो चलो टीचर्स भी बना देते हैं. तो हम लोग करते हैं क्या, क्रिएट टेबल टीचर्स. ठीक है, नाउ टीचर्स में टीचर्स के नेम से मैं टेबल बनाऊंगी. इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय आईडी दूंगी. ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या, कोई भी मतलब किसी भी की जो भी बंदे है किसी एक कॉलेज के अंदर काम करते होंगे सबके पास एक एम्प्लॉय आईडी होगी. तो टीचर्स को भी एम्प्लॉय आईडी मिली होगी, तो वो वाली एम्प्लॉय आईडी हम लोग देंगे उसे. ठीक है, वेयर केयर टाइप की होगी जो कि रहेगी हमारी लेट्स से कि 8 digits की या 7 digits की, चलो 7 digits की बना देते हैं. ठीक है, मैं कॉमा लगाना भूल गई थी तो मैं नीचे कॉमा लगा रही हूँ. नाउ अभी मैं क्या करूंगी, नेम भी दे देते हैं हम लोग. ठीक है, ऑब्वियसली टीचर्स का नाम भी होगा जो कि वेयर केयर के टाइप में स्टोर हो रहा होगा, जो कि रहेगा हमारा 40 digits का. ठीक है, कॉमा करेंगे, नया बनाएंगे, 40 digits का ये हो गया. चलो मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं उससे. ठीक है, अब टीचर से मोबाइल नंबर नहीं लेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, हम कांटेक्ट कैसे करेंगे. चलो जी, तो हम लोग 10 digit का मोबाइल नंबर भी बना देते हैं. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक क्लास के नेम से एक और बनाएंगे विच विल बी वेयर केयर. ठीक है, और ये स्टोर कर रहा होगा 4 digit की वैल्यू, और ये होगा हमारा फॉरेन की. ठीक है, अभी फॉरेन की हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंस्टेंट. कंस्टेंट की स्पेलिंग मेरी सही हो बस, नहीं तो पहले एरर आ गया था. नाउ कंस्टेंट, एंड उसके बाद लिखूंगी मैं T_C. ये हमारा कंस्टेंट का नाम रहेगा, मैं जनरली ऐसे ही नाम रखती हूँ. तो अगर आप लोग भी चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ट्राई करना कि टीचर पूरा लिखो और स्टूडेंट पूरा लिखो, या जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हो वो पूरा पूरा लिखो. ठीक है, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे फॉरेन की का सिंटेक्स लिखेंगे, FOREIGN फॉरेन, एंड उसके बाद फिर लिखूंगी की, एंड उसके बाद फिर लिखूंगी जिसको भी मैं फॉरेन की बनाना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे क्लास को फॉरेन की बनाना चाहती हूँ. ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक्चुअल मैं यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ कि एक जो टीचर है वो सिर्फ एक ही हमारे कोर्स को पढ़ रहा है. ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे. तो एक जो टीचर है वो एक ही कोर्स को पढ़ रहा है, ये चीज बताना चाहती हूँ मैं इससे. नाउ अभी ये हो गया, उसके बाद फिर रेफरेंसेस रहता है, जो सिंटेक्स रहता है वो चीज पढ़ के बता रही हूँ मैं, मतलब देख के बता रही हूँ, देख नहीं रही कहीं से भी. नो हाँ चलो, इसके बाद रहेगा हमारा कोर्स, एंड उसके बाद रहेगा हमारा जो भी हमारा टेबल का नाम था जो कि रहेगा हमारा CIT कोर्स का नाम, सॉरी क्या भूल गई मैं, सॉरी. अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट क्लॉज के बारे में. चलो एक एक करके देखते हैं. हमारे पास होता है ऑन डिलीट क्लॉज, एंड हमारे पास होता है ऑन अपडेट क्लॉज. अब ऑन डिलीट के साथ में मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऑन डिलीट के साथ में या तो लिख सकती हूँ रिस्ट्रिक्ट. ठीक है, या लिख सकती हूँ मैं ऑन डिलीट अपडेट, या मैं लिख सकती हूँ ऑन डिलीट अपडेट नहीं, ऑन डिलीट सेट नल, या मैं लिख सकती हूँ ऑन डिलीट कास्केड, या मैं लिख सकती हूँ ऑन डिलीट नो एक्शन. अब ये क्या क्या है ये एक एक करके समझते हैं. अगर हमारी कोर्स आईडी वाली जो टेबल है उसमें से कोई भी एक रो टपल डिलीट हो रहा है तो रिस्ट्रिक्ट कर दो, डिलीट मत करने दो. ठीक है, अगर जो कोर्स आईडी वाली टपल है उसके अंदर से कुछ डिलीट हो रहा है तो हमारी जो टीचर्स वाली टेबल का क्लास वाला कॉलम है उसमें, उस पर्टिकुलर टपल में जहां पे भी जो जैसे कि लेट्स से कि BCA वाला जो हमारा कॉलम है वो डिलीट हो रहा है कोर्स में से, तो
जहां जहां पे टीचर्स के अंदर बीसी है वहां वहां पे नल कर दो, ठीक है। कास्केड का मतलब यह है कि यहाँ पे जो अब अगर हमारा डिलीट हुआ है तो यहाँ से भी जो भी टीचर्स हैं जो कि बीसीए कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो वो सारे के सारी टपल्स जो है वो डिलीट मार दो। कास्केड का मतलब यह है। नो एक्शन का मतलब यह है कि वहां से डिलीट होने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। या वहां पे से डिलीट करने के लिए उसने बोला तो डिलीट मत करो, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम लोग यही चीज कर सकते हैं ऑन डिलीट ऑन अपडेट के संग। ऑन अपडेट के संग भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम हम लोग यही कीवर्ड्स लिख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब अगर हम लोग अगर कोई बंदा कोर्स के अंदर से कुछ भी अपडेट करना चाहता है, कोई भी टपल को अपडेट करना चाहता है, बीसीए को चेंज करके सीए करना चाहता है, तो उसे करने मत दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। अगर कोई बंदा कोर्स में से अपडेट करता है, बीसीए को सीए करता है, तो जो भी टीचर्स के अंदर जो भी कोर्स में बीसीए लिखा हुआ था उसको सेट नल कर दो। यहाँ पे जो भी हुआ है बीसीए से सीए अगर चेंज हुआ है तो टीचर्स के अंदर भी सबको सीए में चेंज कर दो। इसका मतलब होता है कास्केड। जब भी ऐसा कुछ हो, अपडेट हो, तो नो एक्शन करो, मतलब कुछ भी मत करो, छोड़ो, कोई बात नहीं, होने दो। इसका मतलब है नो एक्शन। हम लोग कैसे लिखते हैं सिंटेक्स को? ऑन अपडेट, उसके बाद फिर एक कोई भी हमारे रेफरेंशियल क्लॉज हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग रेफरेंशियल क्लॉज कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, नॉट नल, नो एक्शन और कास्केड को, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ कास्केड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी वहां पे कुछ भी हो तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अपडेट में भी मैं यही करना चाहती हूँ कि अपडेट जब भी हो, नहीं सॉरी, मैं चाहती हूँ कि डिलीट जब भी हो तो नॉट नल सेट हो जाए, ठीक है। और जब भी हम लोग अपडेट करें तब उस टाइम पे कास्केड हो जाए। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का नाम चेंज हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कोर्स का नाम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि टीचर का भी नाम वही सेम चेंज हो जाए। और अगर कोई भी कोर्स जो है वो खत्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस टीचर को कोर्स स्कूल से निकाल दूंगी या कॉलेज से निकाल दूंगी, ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट नल कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है ये पर्टिकुलर कॉलम। नाउ मैं एक और चीज चाहती हूँ कि मैं ना यहाँ पे प्राइमरी की भी सेट करूँ, तो प्राइमरी की भी सेट कर देती हूँ मैं। प्राइमरी की हमारी स्टेबल की रहेगी हमारी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो मैं इसको, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कुछ इंसर्ट करके देखेंगे और ये चीज करके खुद से देखेंगे। अभी तक हमने बता मैंने बता दी कि क्या क्या हुआ एक्चुअल में। आप लोग एक एक करके सब कुछ ट्राई करो और खुद से करके देखो। टीचर्स का ना ऐसे करके देख लेना, टीई करके एक टेबल बना लेना, फिर उसके बाद टी ए सी एच, तो उसके बाद ना डिफरेंट ये जो हमारे क्लॉज है उसको ट्राई कर करके देखना, और देखना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और दोनों में डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करने का कोशिश करना, इंसर्ट करने की कोशिश करना, सब चीज़ करने की कोशिश करना, और देखना कि क्या क्या एरर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। आई वॉन्ट डैट टू डू इट बाई योर सेल्फ, बिकॉज अगर मैं करके दिखाऊंगी तो फिर फायदा नहीं होगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ बतानी थी मेन वो हमने ऑलरेडी बता दी है। अभी बस आप ट्राई करके देखो कि एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट क्लॉज हमने आज डिस्कस कर लिया है अच्छे से। सो दैट्स इट।